नमस्ते और स्वागत है आपका अश्विनीज फूड लैब में। मैं हूं अश्विनी और आज हम बनाएंगे पूरी। जी हाँ, वही पूरी जो भारतीय रसोई का एक अविभाज्य हिस्सा है। वही पूरी जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स कभी भी खाई जाती है। छोले पूरी, पूरी भाजी, हलवा पूरी, ऐसे अनेक कॉम्बिनेशन में पूरी फेमस है। रोज के खाने में रोटी की जगह अगर पूरी बन जाए तो आहा, खाने में मजा आ जाता है। तो आज मैं आपको हम सब की फेवरेट सिंपल प्लेन पूरी परफेक्टली पफ्ड कैसे बनाएं ये बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 3 कटोरी आटा लिया है। इतने आटे की लगभग 18 से 20 पूरियाँ बनेंगी। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून रवा डाला है। इसके बाद डाली है 1.5 टीस्पून शक्कर। डरिए मत, इतनी सी शक्कर से पूरियाँ मीठी नहीं बनेगी बल्कि अच्छी क्रिस्प हो जाएगी और ज़्यादा देर तक फूली रहेगी। और थोड़ा सा नमक स्वाद के लिए। इन सब इंग्रेडिएंट्स को पहले हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा ही डालना है। पूरी के आटे को रेगुलर आटे से थोड़ा टाइट ही गूंथना है। ये हो गया पूरी का आटा रेडी। ये थोड़ा सख्त है लेकिन इतना ज्यादा सख्त भी नहीं। अब इसे मैंने ढककर 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही सेट होने के लिए रख दिया है। एक पार्ट तो हो गया, अब तलने का पार्ट चालू करते हैं। पहले एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करेंगे। हमारा आटा भी अब सेट हो गया है। इसे मैंने 1-2 टीस्पून तेल लगाकर थोड़ा चिकना कर लिया। तेल से आटा हाथों पर चिपकता भी नहीं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है हम पूरियां बेलकर रेडी रखते हैं। आटे के छोटे टुकड़े तोड़कर मैंने लोइयां बना ली है। एक लोई लेकर दोनों हाथ के बीच इस तरह मैंने प्रेस कर ली है और उसे आटे में घोलकर बेलना स्टार्ट कर दिया है। पूरी हमारी रेगुलर रोटी से थोड़ा थिक बेले और हाँ, उसका थिकनेस यूनिफॉर्म भी होना चाहिए वरना हमारी पूरी यूनिफॉर्म फूलेगी नहीं। वैसे पूरी का कोई स्टैंडर्ड साइज तो होता नहीं है, तो पूरी छोटी या बड़ी आप अपने हिसाब से कैसे भी बेल सकते हैं। इस तरह बाकी सारी पूरियां मैंने बेलकर रेडी कर ली है। पूरियां तो रेडी हो गई। चलो अब तेल गरम हो गया क्या चेक करते हैं। आटे का छोटा टुकड़ा अगर तेल में डालते ही ऊपर आ जाए तो समझे हमारा तेल गरम हो गया है। पूरी को बड़े ही केयरफुली तेल में डालें और कलछी से पूरी की हल्की हल्की से साइड्स प्रेस करें। कितनी बढ़िया गुब्बारे जैसी फूली है पूरी। इसे पलटा कर दूसरा साइड भी पका लेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज पर भी पूरी निकाल सकते हैं या थोड़ा और ब्राउन और क्रिस्प होने दें। बाकी पूरियां भी ऐसे ही फ्राई कर ले। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म फूली फूली पूरियां रेडी है। आप इसे हलवा, खीर या आपके पसंद की कोई भी सब्जी के साथ एंजॉय करें। मेरी बताई हुई रेसिपी से आप पूरियां जरूर बनाएं, खाएं और खिलाएं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपकी पूरियां कैसे बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।